गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सामयिकी के अंदर इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। हम पुराना एक आर्टिकल उठा रहे हैं बालिका वधू के बारे में, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास न्यूज़ है बालिका वधू के बारे में। नॉर्मल कंसेप्ट है, राजस्थान से लेके, भारत से लेके, हर जगह ये अक्सर आपके गांव में, शहर में ये बातें देखने को मिलती है, लेकिन किस एंगल में यूज़ करेंगे इसको, किस तरह से, वो देखने की कोशिश करते हैं। रूढ़िवादी शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक वजह, तीन बातें कॉमन है। खुद के अधिकार का उल्लंघन, मतलब हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है, हमारा राइट जो हमारा खुद का है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, किसी भी इंसान का, किसी मतलब ह्यूमन राइट वायोलेशन भी कह सकते हैं। वैवाहिक बलात्कार पर कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ। वर्मा कमीशन आई थी इसके पहले, जो कुछ रेगुलेशन की बात की थी। आपको ये आश्चर्य होगा कि 1932 में ही पोलैंड ऐसे देश ने इस पर एक कानून बनाया, 1970 में यूएसए ने बनाया। आज हम कितने पीछे हैं देख सकते हो। वही बात, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। देश में बाल विवाह वैसे कब आया इसका तो आइडिया, अंदाजा कहीं लिखित रूप में मिलता नहीं है। वो अलग बात है कि हम आप लोग स्पेक्ट्रम में हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से एक्ट आया और इसके ऊपर रोका गया। हालांकि बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया कि ये पश्चिमी सभ्यता को हम भारत में क्यों अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही थी। आज जैसे हम 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिए हैं, अगले 10 साल 15 साल बाद हम उसको नॉर्मल ले लेंगे, उसी तरह से ये वक्त के अनुसार सब कुछ बदलता है, समय के अनुसार बदलता है। 2006 में शादी अवैध करवाने का अधिकार आया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये सियो मोटो डिसीजन ले सकता है। देखो वैसे तो राजस्थान में कैसे ज़्यादा देखने को मिलता है बाल विवाह, और भी बहुत सारे, बिहार हो गए, हरियाणा हो गए, गुजरात और तेलंगाना में आम बात है, या शहरी इलाकों में इसका संख्या बढ़ा है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि गांव में बढ़ा है, गांव में ही है, नहीं, शहरी इलाकों में ही बढ़ा है। रीजंस देखते हैं कारण क्या क्या है इसके। कारण यही है, वही छोटी मोटी बातें, माँ बाप डरते हैं, लड़की पता नहीं क्या करेगी, किधर जाएगी नहीं जाएगी, खर्च इतना वह सारा पैसा खर्च किया, मतलब 9th कराया, 10th कराया, 11th कराया, 12th कराया, ग्रेजुएट किया, जॉब में चली गई और 2-4 साल बाद ससुराल चली गई, हमारे किस काम। ये जो मानसिकता हमारे यहाँ चलती है वो बातें भी एक है। इच्छा अनिच्छा का कोई ध्यान नहीं, उनके इच्छा अनिच्छा पे कोई बातें नहीं करते हैं लोग। 21वीं सदी में भी हम आज इस तरह की बातें 21st सेंचुरी में कर रहे हैं। ये शहर की बात है, शहर में पढ़े लिखे होने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद भी हम इस तरह की बात करते हैं। अगर विलेज के कॉन्सेप्ट में देखें तो फैसले लेने में पुरुष का अधिकार, वही पैट्रियार्कल सोसाइटी जो हमारा है, तो फैसले लेने में पुरुष को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। दहेज प्रथा, ये तो समझ ही रहे हो, बढ़िया वर नहीं मिलेगा, ये वर है, गलती से है, ये मिस्टेक है, वर हिंदी में वर मतलब दुल्हा, मतलब जो भी समझ लो, वर नहीं मिलेगा मतलब अच्छा लड़का नहीं मिलेगा जो हमारी बच्ची का, या मतलब जिसकी जो भी अपनी बच्ची का शादी सेट करेगा तो पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब एक डर सताता है, ये सामाजिक रूढ़िवादी विचारधाराएं जो है हमारे यहाँ। बढ़ते यौन अपराध, अब देख ही रहे हो, इतने सारे सेक्सुअल वायलेंस के केस आते हैं हमारे यहाँ, उससे भी डरते हैं गाँव में। माइग्रेशन, एक माइग्रेशन भी वजह है, माइग्रेशन के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शहर में किस तरह का होता है, तो हमने गाँव में बात किया, अब शहर में, गांव से आकर जो शहर में आकर लोग बस जाते हैं, रहने के लिए स्थान नहीं होता है उन लोगों के, शहर के लिए लोगों को, मतलब जो ऑलरेडी शहर में थे, गांव से माइग्रेट करके शहर में आ गए, तो अब जगह नहीं मिलेगा तो ये लोग क्या करेंगे। ये सब भी तरीका है। और परिवार की झूठी शान, हमने इतना खर्च किया, हमने इतना दिखाया। 9 लड़कियों में से एक ऐसी लड़की है जिसका 15 से भी कम उम्र है, मतलब 9 में से 1 लड़की जिसका 15 से भी कम उम्र में शादी हो जाता है, इस तरह के डाटा कहता है, पश्चिमी मध्य अमेरिका में देखने को ही मिलता है। ये सिर्फ हमारे भारत की भी कहानी नहीं है, ये वेस्टर्न इलाके में भी देखने को मिलता है, यूएसए में भी तक में देखने को मिलता है। विकसित देशों में तो चॉइस से शादी, लेकिन हिंदुस्तान में किसी, मतलब विकसित देशों में तो एक्चुअल में चॉइस है, ये चॉइस से शादी, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार शादी विवाह होता है। हमारे हिंदुस्तान में तो बस किसी खूटे से बांध दिया, लिखने का तो नहीं है ये, लेकिन एक जनरल बात है। नाइजर में सबसे ज़्यादा विवाह बाल विवाह होता है। ये नाइजर हमारा अफ्रीका में एक कंट्री है, यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है नाइजर में जो है सबसे ज़्यादा इस तरह के किस्से देखने को मिलता है। इस उम्र में अगर मान लो अंडर 18 से 14 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष में अगर शादी होंगी तो क्या होगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लेक्शन बढ़ सकता है, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। पॉपुलेशन वृद्धि, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो ये और बढ़ती चली जाएगी।
इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है इसके बारे में। तो संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेल हो फीमेल हो सबको बराबर माना है। कहाँ कहाँ माना है उसको देखते हैं। आर्टिकल 15(3) महिलाओं बच्चों के लिए खास प्रावधान करने का निर्देश देता है, महिलाओं और बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 42 के अनुसार कामकाजी महिलाओं की को सहायता प्रसव के दौरान मैटरनिटी बेनिफिट मिल, मतलब कामकाजी जो मतलब वर्क करती हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती है उनको इस तरह की गवर्नमेंट, जैसे कि आपने स्कीम भी सुना होगा जो 6,000 मतलब 2-3 इंस्टॉलमेंट में जो मिलता है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत, जो 5,000 रुपये मिलते हैं इसी के तहत आता है। गवर्नमेंट ने DPSP के तहत इसको प्रावधान किया है। आर्टिकल 14 जो हमारा कहता है विधि के सब समक्ष समानता, सब लोग बराबर है। आर्टिकल 16 कहता है 16 बिना भेदभाव के किसी भी दफ्तर में नियुक्ति का अधिकार, मतलब मेल हो या फीमेल हो सबको जॉब मिलेगा। अनुच्छेद आर्टिकल 39(d) कहता है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, भाई मेल हो फीमेल हो सेम वेतन मिलेगा, सेम सैलरी मिलेगा। आर्टिकल 243(d) समझ रहे होगे हमारे यहाँ गांव में जो पंचायत में चुनाव होता है तो आप लोग देखते होंगे कि अरे महिला सीट इतना है तो अपने हस्बैंड के बजाय महिला को बिठा देती है। वो सारी धारणाएं तो अलग चीज़ है, वो अलग पक्ष है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ये सब महिलाओं को एम्पावर करने के लिए ही तो है, जिसको वुमेन्स एम्पावरमेंट कहते हैं, गर्ल्स एम्पावरमेंट कहते हैं। हमारे यहाँ IPC में क्या क्या है, तो IPC में दो बातें हैं। 354 के तहत छेड़छाड़ का आरोप लगता है, जो आपको अगर आपके किसी भी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ होता है तो IPC 354 के तहत अगर कोई परेशान करता है आपको, आप FIR दर्ज करवा सकते हो। 509 यौन शोषण के खिलाफ, ये बातें आज के न्यूज़ में इतना ही था। थैंक यू।